देहरादून में आरटीओ ने अपने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। आपको बता दें कि आरटीओ के इन नए नियमों से आम जन की परेशानी बढ़ भी गई है। दरअसल अब अगर आप किसी से पुराना दोपहिया वाहन या कार खरीद रहे हैं तो सिर्फ बिक्री लेटर और पहचान पत्र की फोटोकॉपी लाने से काम नहीं चलेगा। जी हाँ, अब नए नियमों के तहत कार्यालय में वाहन मालिक का सत्यापन और हस्ताक्षर मिलान कराया जाएगा, उसके बाद ही वाहन को ट्रांसफर किया जाएगा। जानकारी के अनुसार नई व्यवस्था के तहत अब वाहन तभी ट्रांसफर होगा जब उसके पुराने मालिक के आधार कार्ड के पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। ये ओटीपी सॉफ्टवेयर में दर्ज किया जाएगा। तब तक ट्रांसफर की एप्लीकेशन कंप्यूटर में आगे नहीं बढ़ेगी। बताया जा रहा है कि ओटीपी दोनों के मोबाइल पर आएगा। जब तक पुराना मालिक ओटीपी नहीं बताएगा तब तक ट्रांसफर की फीस भी नहीं कटेगी। ये भी बताया जा रहा है कि ये नियम वाहन ट्रांसफर में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए लागू किया गया है, लेकिन इससे लोगों की परेशानी और भी बढ़ने वाली है। गौरतलब है कि अभी तक वाहन ट्रांसफर की प्रक्रिया के दौरान केवल खरीदार के मोबाइल पर ही ओटीपी आया जाता था। अब विक्रेता और क्रेता दोनों के ही मोबाइल पर ओटीपी आएगा।